आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। ओवरऑल बहुत सारे बैड न्यूज़ और डाउन ट्रेंड के बाद अगेन एक ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिखा है। मूडी ने इसके जो आउटलुक थे वो स्टेबल से पॉजिटिव करते हुए दिखा है। हालांकि जो पर्सनली मेरा व्यू है, इस जो रेटिंग के बाद भी स्टॉक में एक स्ट्रांग अप ट्रेंड नहीं दिख सकता है, क्योंकि टोटली वीक है शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। आफ्टर डाउन ट्रेंड फ्रॉम अराउंड 1500 के अराउंड 1400 के आसपास के प्राइस से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद एक देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मेरा पर्सनली मानना है कि इस स्टॉक में 940-950 तक का टारगेट दिख सकता है और स्टॉप लॉस जो लेना है 840 के स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। और हमने कल भी कहा था कि जो ये डिविडेंड हर उसको नहीं मिलेगा जो आज के डेट में आप खरीद रहे हैं। अगर आपकी बाइंग 14 जून तक ही है तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं, तो डिविडेंड के प्रोस्पेक्टिव से बाइंग करने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 840 के नीचे के स्टॉप लॉस को लगा करके 940-950 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस 7-15 डेज के लिए बाइंग किया जा सकता है।